नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज, इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर गुजरात में आयोजित हुआ राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह, अमित शाह ने की मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत। सरदार पटेल ने 560 रियासतों को भारत में मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के किए प्रयासों के लिए हर साल उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश के जरिए संबोधन दिया। उन्होंने कहा, सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि सभी भारतीयों के मन में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल समर्पित कर दिया था। पीएम ने कहा, आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। सरदार पटेल ऐसा भारत चाहते थे जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरदार पटेल की जयंती के मौके पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिखाई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सन 1984 में हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या। इस मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा, मेरी दादी अंतिम घड़ी इस निडरता से देश सेवा में लगी रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, भोपाल रायपुर में हो रहे कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शौर्य स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस का जो स्वरूप आज दिखाई देता है उसका श्रेय हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। देश को आजादी से पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की नीति पर चलाते थे। सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा देश की रियासतों का भारत में विलय जिस शांति के साथ कराया वो दुनिया में अपने आप में अनोखी घटना है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल की रैली। यूपी के लिए रवाना होने से पहले सीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी को भी याद किया। सरदार पटेल इंदिरा गांधी को सीएम ने याद किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरदार पटेल को याद किया, लिखा, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश का नेतृत्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरदार ने भारत को सम्मान दिलाया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पक्की रातों के साथ देश को नई दिशा प्रदान की। पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान श्रद्धांजलि देते हुए ये बात लिखी। महापुरुषों के नाम पर छत्तीसगढ़ में लिया गया नया फैसला। महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूलों में वैष्णव जन और रघुपति राघव गाएंगे बच्चे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ट्वीट, लिखा इस फैसले से बच्चों में राष्ट्रीय एकता और समरसता की भावना मजबूत होगी। आइए इन्हें जन जन तक पहुंचाएं, बच्चों में राष्ट्रीय एकता भावना की मजबूत होगी। कमलनाथ ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी, ट्वीट कर लिखा स्वतंत्रता के संघर्ष में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र की एकता और अखंडता में दिया उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस का आयोजन कार्यक्रम में बोले कमलनाथ, कहा इंदिरा गांधी जी का आज बलिदान दिवस है। इस दौरान कमलनाथ ने कहा इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, अमेरिका के सामने भी मजबूती से खड़ी रही थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कृषि क्षेत्र में क्रांति लाई, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया। उन्होंने कहा कि बलिदान के बाद भी हमारे बीच में इंदिरा गांधी, मेरी कई यादें हैं उनके साथ, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बलिदान के बाद भी हमारे बीच में इंदिरा गांधी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नौलखा में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान जीतू पटवारी ने कसा तंज, कहा बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त हो गई है और उपचुनाव में कांग्रेस शानदार जीत हासिल करेगी। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर धन बल के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया, जीतू पटवारी ने जमकर तंज कर। मंदसौर में सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर ने सुबासरा के पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार को श्रद्धांजलि दी, दोनों नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। मंदसौर में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम, कहा कांग्रेस ने चुनाव में पैसे बांटे, पृथ्वीपुर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया, सभी हथकंडे अपनाए गए, अभी अनैतिक हथकंडे अपनाए गए, ऐसा सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि इन तमाम हरकतों के बावजूद खंडवा लोकसभा सहित सभी विधानसभाओं का चुनाव जीत रही है बीजेपी। उपचुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा से मिले वीडी शर्मा, उनके घर जाकर की मुलाकात, प्रभात झा से मुलाकात की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सब्याची मुखर्जी के मंगलसूत्र के विज्ञापन पर आपत्ति जताई, उन्होंने कहा मंगलसूत्र भगवान शिव पार्वती का स्वरूप है, हमारी संस्कृति में बहुत ही सम्मानित आभूषण है। उन्होंने कहा सब्याची का ये विज्ञापन आपत्तिजनक है, यदि इस विज्ञापन को हटाया नहीं गया तो कठोर कार्यवाही होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एमपी को बड़ी सौगात, आज से 3 फ्लाइट की शुरुआत, इंदौर से सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए उड़ान है। एमपी की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग, मतदान केंद्रों पर लोगों की देखी लंबी कतारें, कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 6 बजे तक डाले गए वोट। इस दौरान कई जगहों पर मतदान के बहिष्कार की खबरें भी देखने को आई, खंडवा लोकसभा के कुछ गांव में ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया और वोट नहीं डाला। खंडवा के फतेहपुर गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया, 1 किलोमीटर पोलिंग बूथ दूर होने के कारण बहिष्कार किया गया, इसके साथ ही ग्रामीणों ने खराब रोड होने के चलते चुनाव का बहिष्कार किया। सनावत के खनगांव खेड़ी गांव में लोगों ने सड़क और पुलिया की मांग करते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया, इस दौरान स्थानीय लोग गांव के दोनों मुहानों पर बैठकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते रहे। यहां पर कुल 400 मतदाता हैं और उनमें से एक भी मतदाता वोटिंग नहीं की है, वोटिंग के लिए आए अधिकारी और मतदान दल केंद्र पर मतदाताओं का इंतजार करते रहे। खंडवा लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर, बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया, 2 नवंबर को आएंगे नतीजे।
उपचुनाव के बाद वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मतदाताओं का जताया आभार, मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। दौरान वीडी शर्मा ने कहा, समाज के हर वर्ग के लोगों ने वोट किया, इससे ये साफ हो जाता है कि प्रदेश का वोटर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी के प्रति जागरूक हो गया है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने वोट किया है। उपचुनाव के बाद कमलनाथ का ट्वीट, उपचुनाव के मतदाताओं का जताया आभार, चुनावी क्षेत्र में जुटे कार्यकर्ताओं को कहा शुक्रिया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने इन चारों उपचुनावों में मतदाताओं को डराने धमकाने का काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, खुलकर गुंडागर्दी की और मतदाताओं को धमकाया। कमलनाथ ने लगाया आरोप, कहा उपचुनाव में आचार संहिता का जमकर उड़ाया गया मजाक, सरकारी मशीनरी और प्रशासन का खुलकर किया गया दुरुपयोग। भोपाल में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाया गया, नगर निगम ने जेसीबी के जरिए प्रतिमा को हटाया, तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने लगाई थी प्रतिमा। मध्य प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी, गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किया आदेश, प्रदेश में पटाखों पर प्रतिबंध। वायु प्रदूषण रोकने के लिए लिया गया फैसला, पटाखे बनाने और परिवहन करने पर रोक, पटाखे जमा करने पर भी होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर की गई धान खरीदी की घोषणा, 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर होगी धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पंजीयन की तारीख बढ़ाई गई। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा आप सबका प्यार और पूरे दुनिया भर के देश के आदिवासी साथियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बनाया। सीएम ने कहा कि आदिवासी महोत्सव के जरिए हमने गीत संगीत नृत्य और संस्कृति को देखा है, आदिवासी वो समाज है जो प्रकृति से जितनी जरूरत है उतनी लेते हैं, ये लोग प्रकृति और समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सिर्फ पटोवाल जारी, पीसीसी चीफ के सामने कर्मकार, मंडल के अध्यक्ष ने प्रदेश महामंत्री की कॉलर पकड़ी। भोपाल की प्रसिद्ध हीरा हुआ का हुआ निधन, लावारिस लाशों का करती थी अंतिम संस्कार, 20 सालों में 27,000 से ज्यादा लाशों का किया है अंतिम संस्कार। दिवाली से पहले इंदौर में खाद्य विभाग की छापेमारी, खजराना थाना क्षेत्र के स्टार चौराहे पर दुकानों में मारा गया छापा, खाद्य विभाग ने 8 क्विंटल मिठाई जब्त की। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने खजराना क्षेत्र में नाले किनारे मिठाई तैयार करने वाले एक कारखाने पर कार्रवाई की और मच्छर और कीड़े मिली लगभग 8 क्विंटल मिठाई जब्त की। इंदौर में जागरूक अभियान के तहत पुलिस ने घर से रास्ता भटके एक बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया, बच्चे को अपने पास पाकर परिवार ने पुलिस को धन्यवाद दिया। वही बच्चा पुलिस से इतना घुल मिल गया कि अब परिवार के पास जाने में भी रोने लगा, जिसके बाद मुश्किल से पुलिस ने समझा बुझाकर परिवार को बच्चे को सौंपा। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हवाला कारोबार का गुर्गा गिरफ्तार किया गया, कब्जे से मिले 30 लाख रुपए नगद, प्लेटफॉर्म पर हवाला कारोबार का गुर्गा गिरफ्तार किया गया। शनिवार रात मुंबई हावड़ा मेल से मुंबई जाने स्टेशन पहुंचा था गुर्गा, जीआरपी के ने मुखबर की सूचना पर किया गिरफ्तार, हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी का कर्मचारी हुआ है गिरफ्तार। इंदौर के सागर रोड पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 4 से 5 लोगों ने की थी बेरहमी से पिटाई, मौके पर मौजूद लोगों ने नहीं की मदद। गुरवा में डांस के दौरान हुई मारपीट में युवक को चाकू से 14 बार वार किया गया, चाकूबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, बाइक सवार दर्जन भर बाहरी युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट के दौरान गांव में दहशत फैलाने के लिए लहरा रहे थे देसी कट्टा, बीच बचाव करने पहुंचे युवकों को भी आई चोटें, जिले के दादर कला में देर रात हुई थी घटना।
महासमुंद के तुमगांव में एक दंतेल हाथी घुस गया और उसने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जशपुर में मजिस्ट्रेट के घर से ट्रैक्टर की हुई चोरी, देर रात चोरों ने दिया घटना को अंजाम। ग्राम पंचायत डूमर बहार से हुई ट्रैक्टर चोरी। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली एक बड़ी कामयाबी, 1 लाख के नामी नक्सली ने किया सरेंडर, कई आपराधिक घटनाओं में शामिल था नक्सली। दमोह की तेंदुखेड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने लूट की योजना बना रहे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ, देहरादून के पास खाई में बस गिरने से 11 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देहरादून के पास विकास नगर में चक्राता के पास बस के खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हुई। वहीं हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से राहत और बचाव अभियान में तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी प्रशासन को चेतावनी, कहा प्रशासन जेसीबी की मदद से गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट की गिराने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा होता है तो किसान पुलिस थाने और डीएम के ऑफिस में अपना टेंट लगाएंगे। टिकैत ने रविवार की सुबह ट्वीट करते हुए लिखा, किसानों को अगर बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, कहा अगले साल के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन की 5 अरब डोज भारत बनाएगा। वैक्सीन की ये डोज केवल भारतीयों के लिए नहीं होंगी बल्कि इन्हें पूरी दुनिया को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन के WHO से इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिलाने की मदद मांगी, कहा कि WHO से अप्रूवल मिलने पर 5 अरब वैक्सीन बनाने का टारगेट हासिल करने में आसानी होगी। G20 के ग्लोबल हेल्थ एंड ग्लोबल इकोनॉमी सेशन में भारत ने जानकारी बताया कि कोरोना की शुरुआत के बाद से भारत 150 देशों को मेडिकल सप्लाई दे चुका है। चौबीस घंटे के अंदर भारत में मिले 15,000 से नए कोरोना मामले, 500 से ज्यादा लोगों की जान गई, 1.5 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। केरल में रुकने का नाम नहीं ले रहा कोरोना वायरस, पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने, एक दिन में 49 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 41 नए केस मिले, एक दिन में 22 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कम हो रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 से कम नए केस सामने आए। आतंकी संगठन IS का ऐलान, पाकिस्तान को बर्बाद करना हमारा पहला लक्ष्य, जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसे खत्म कर देंगे। शमी को ट्रोल करने पर बोले कोहली, कहा बिना रीड वाले ऐसी हरकत करते हैं, उनके पास सीधी बात करने की हिम्मत नहीं होती। आज वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया, पाकिस्तान से हार के बाद भारत का जीतना बहुत जरूरी, दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा मैच। 18 साल से ICC इवेंट में न्यूजीलैंड से नहीं जीता है भारत, साल 2003 के बाद से नहीं मिली है जीत, पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के में भारत को न्यूजीलैंड ने दी थी हार। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की लगातार तीसरी जीत, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, इसके साथ ही टीम ने सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।